हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, उम्मीदवारों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं नीट पीजी पोस्टपोन्ड को लेकर। दोस्तों, क्या नीट पीजी पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो है वो एग्ज़ाम के दिन करीब आते जा रहे हैं। पर दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर का इस पर अभी भी कोई यहां पर जो है बयान नहीं आ पा रहा है कि यह एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर कि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर होगी, क्योंकि इतने लेटर के बाद, इतनी ट्रेंडिंग कराने के बाद, इतने ट्यूट करने के बाद, इतने टैगिंग करने के बाद, तब भी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर का कोई भी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो उम्मीदवार अब ये जानना चाहते हैं कि क्या यह अपने निर्धारित समय पर ही इसकी एग्ज़ाम होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मान सकते हैं कि 95% यहाँ पर चांस है कि कल आप सभी के लिए फाइनली जो है अपडेट निकल कर आ जाए, और वो फाइनल अपडेट आप सभी की मांगों को पूरे करने को लेकर होगा। यानी कि दोस्तों, कल शाम तक नीट पोस्टपोन्ड की आप सबने के सामने यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ सकती है। दोस्तों, कैसे आ सकती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्यूट आया है जो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी सफरिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं बेकार ना जाए और जो उम्मीदवारों के साथ अन्याय है वो अन्याय ना हो। क्योंकि दोस्तों, साथ ही यहाँ पर नीट, यहाँ पर पीजी को लेकर, यहाँ पर यूजी को लेकर और एमडीएस को लेकर भी यहाँ पर लगातार ट्वीट की जा रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर एमडीएस की जो एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन करने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर इसकी एग्ज़ाम जो है होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों, उम्मीदवारों की जो मांग है, अगर एमडीएस की एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो पाती है तो क्या पीजी की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। दोस्तों, इसको लेकर अभी भी फाइनली कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं निकल पाया है, क्योंकि कल जो है 27 तारीख को कल यहाँ पर 2 या 3 मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर के साथ हुई है। पर दोस्तों, अभी तक उस चीज़ पर कोई भी स्पष्ट रूप से जो है जवाब नहीं आ पाया है। इसलिए यहाँ पर कल जीएस लाठी सर ने यहाँ पर वो अपडेट दिया था कि इन सभी के जो पैतरे हैं वो फेक नोटिस से आप दूर रहें, रूमर से आप दूर रहें और उन पर विश्वास ना करें कोई भी बिना ऑफिशियल अपडेट के लेकर। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर फाइनली दोस्तों जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि आप सभी के लिए यहाँ पर जो है कल जो है आप सभी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रिसॉल्व होने की चांसेस निकल कर आ रही हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि काइंडली प्रोवाइड दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज दी सून पॉसिबिलिटी सर। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर कल आप सभी के लिए 100% यह कन्फर्म हो जाएगा कि जो आप सभी की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि दोस्तों, इसको लेकर कल फाइनली यहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर के तरफ से यानी कि फाइनली ये डिसीजन आ जाएगा कि जो पोस्टपोन्ड की डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों, सोर्सों की माने तो अभी यही अपडेट निकल कर आ रही थी और लगातार आप देख सकते हैं कि इस चीज़ की मांगे की जा रही हैं और इस चीज़ की मांगे जो हैं वो 100% कन्फर्म है वो पूरी होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों, फाइनली आप सभी को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नीट पीजी को लेकर, यहाँ पर पोस्टपोन्ड करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जो है आप सभी को कल मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, पीजी को लेकर यहाँ पर लगातार जिस तरह से बातें चल रही हैं, जिस तरह से विवादें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ का स्पष्ट निर्णय, डिसीजन लेने में 1 या 2 दिन का समय लगा। पर दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए कल एक गुड न्यूज़ निकल कर आने वाली है, जो सोर्सों की माने कल ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि जो पीजी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए वक्त दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, अभी तक ये अपडेट थी जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को सब कुछ शेयर किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।